नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप जेड न्यूज देख रहे हैं। कोरोना का कहर और तेज हो रहा है। पूरे देश भर में 1.5 लाख मामले सामने आए हैं। 630 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और आप सोच सकते हैं कि हमारा जो देश है वो चौथे नंबर पर आ गया है दुनिया में कोरोना के एक्टिव केस के मामले में। हम बिहार की बात अगर करें तो बिहार में भी 1080 मामले सामने आए हैं, यानी कि 1080 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। और कोरोना से लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। कल जो खबर आई थी कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इससे पहले मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि IIT पटना से एक साथ 15 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। उसके बाद IIT संस्थान को बंद कर दिया गया है एक सप्ताह के लिए। और कहा गया है कि जो भी लोग कॉन्टैक्ट में थे वो सभी जाँच करवाएं, ये आदेश दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना का खतरा कितना गहरा रहा है कि तमाम वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से जहाँ पर भीड़ लगती है, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ से खबर ये आने लगती है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ ही रहा है। तो आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। आंकड़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोच समझ कर बाहर निकलें। कोशिश करें कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करें ताकि कोरोना से बच सकें और सरकार के गाइडलाइंस को अनदेखा ना करें। आपको हम तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे। फिलहाल कोरोना की जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए DHD न्यूज़ के साथ।